दोस्तों मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर मेरा चैनल। जैसे कि टाइटल देख के मैंने बताया इसमें कि IMEI चेंज किस तरह से करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोई IMEI चेंज नहीं करता हूं क्योंकि एक इनलीगल काम है। लेकिन जो मेरे पास ये मॉडल आया है इसमें मैंने 3-4 दिन पहले अपने चैनल पर बना के भी डाला भी था वीडियो इसका। ये गैलेक्सी S8 प्लस का है, इसका कॉपी मोबाइल है ये, ठीक है। तो इसको फ्लैश करते वक्त इसका जो है IMEI जो ओरिजिनल था वो चेंज हो गया। अभी इसका IMEI नंबर ये शो कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये इसका IMEI नंबर शो कर रहा है, तो हमें अभी इसको चेंज करना है, उसके बाद ही इसके अंदर नेटवर्क आएगा, ठीक है। ये नेटवर्क का सिंबल आप देख रहे हैं ऊपर है, इसका नेटवर्क को चेंज कर नेटवर्क को ठीक करने के लिए हमें इसमें IMEI नंबर डालना पड़ेगा। अभी जो इसमें IMEI नंबर मैं डालूंगा, एंटर करूंगा, वो ये वाला IMEI नंबर डालूंगा जो 91 से शुरू होता है। सबसे पहले इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना CM2 का MTK वाला सेटअप। सबसे पहले इसे हमें ओपन करके इसे SP वाले पे रखना है, इसे सेकंड वाले पे, और उसके बाद इधर एक बार इसकी हमें इंफॉर्मेशन ले लेनी है, तो उसके बाद ही हमारा ये आगे काम करेगा। स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल मैंने और अब मैं इसमें केबल लगाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर टाइप सी काम करता है, तो इसमें टाइप सी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें केबल लगाने जा रहा हूँ, बिना कोई बटन दबाए मैं इसमें केबल लगानी है, तो हमारा मोबाइल बूट कर लेगा अभी। ये देखिए बूट हो गया, पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। ये बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि S8 प्लस सैमसंग का नहीं है, ये चाइनीज़ S8 प्लस है। तो देखिए इसका IMEI नंबर दोस्तों ये शो कर रहा है जो इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं चेंज करके मुझे ये वाला IMEI नंबर इसमें डालना है, तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिक्योरिटी में आ जाना है, इधर टिक लगा देना है और यहाँ से कॉपी करके नंबर अपना, ये नंबर मैंने कॉपी किया और मुझे इधर इसको रख देना है, ठीक। उसके बाद ऐसे ही ये सेकंड वाला भी IMEI नंबर ही मैंने इसको कॉपी किया और रख देना है। आपको बता दूं मैं इस ये वाला जो टूल यूज़ कर रहा हूँ चाइनीज़ मिरेकल, ये मेरे पास इसका बॉक्स है, लेकिन आप चाहें तो इसको क्रैक से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसे क्रैक का लिंक भी आपको दे दूँगा, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना, इसे हमें CM2 परमानेंट पर रखना है और अभी कुछ नहीं करना, राइट सिक्योरिटी देना है। अभी ट्विस्ट बाकी है इस वीडियो के अंदर, आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे हैं। ये देख रहे हैं, मांग रहे हैं ना वेट फॉर आईफोन, तो अभी वेट फॉर फोन, तो अभी मैं इसमें केबल लगा रहा हूँ। देखिए अभी बोल रहा है ये मोबाइल रिकनेक्ट रिक्वायर्ड, तो मोबाइल को डिसकनेक्ट करने के बाद ओके देना है और उसके बाद दोबारा से केबल लगाना है। अभी फ़ोन की हमारी स्क्रीन चालू होगी, देखिए अभी आ गया ना लिखा हुआ वेट फोन फाउंड सिंक रिपेयर डन, रिपेयर डन हो गया। तो अभी इस मोबाइल को मैं ओपन कर लूँगा और आपको दिखाता हूँ इसका IMEI नंबर 35 से जो शुरू था वो 911 से अब स्टार्ट होएगा। देखिए आ रहा है ना ये चाइनीज़ एंड्रॉइड लोगो, तो ये चाइनीज़ मोबाइल है। अभी देखेंगे इसमें आप नेटवर्क भी आ गया होगा और IMEI भी इसका नंबर का चेंज हो चुका होगा। दोस्तों अपने चैनल पर रोज़ की मैं एक वीडियो डालता हूँ जो मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती है, तो अभी तक सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब करके ज़रूर के आइकॉन। देखिए एयरटेल भी आ गया लिखा हो 4G और पूरा आ गया, ठीक है। अब इसका मैं आपको IMEI चेंज दिखा देता हूँ करके, स्टार है 06#।
देखिए ये आ गया ना, पहले यहाँ पे 3-5 से शुरू था, अब यहाँ पे 9-1 से स्टार्ट हो गया मेरा IMEI नंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ये आप मेथड का यूज़ सभी करें जब आपका मोबाइल में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है और मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले वीडियो में।